गाइस, कैसे हो आप लोग? दिस इज प्रीति फ्रॉम माय हॉट चॉकलेट. होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट. गाइस, आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम का बहुत अच्छा सॉल्यूशन लेके आई हूँ. बहुत लोगों को वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना बहुत अच्छा लगता है, बट समटाइम्स अगर वो वेस्टर्न ड्रेस हाफ स्लीव्स हो, बहुत लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि उससे हमारा अंडरआर्म्स रिवील होता है, जो कि हमारे अदर बॉडी पार्ट से थोड़ा डार्क रहता है, और बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया, पसीना, एक स्मेल आता है अंडरआर्म से. तो इसलिए बहुत लोग क्या होते हैं, दूसरों के सामने कॉन्शियस फील करते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं और हाफ स्लीव ड्रेस नहीं पहनते. ऐसा कुछ नहीं है गाइज, मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन लेके आई हूँ, जिससे कि आप अपने अंडर आर्म्स को क्लीन रख सकते हो और आराम से हाफ स्लीव ड्रेस पहन के घूम सकते हो. हम लोग अपने स्किन का बहुत अच्छा केयर करते हैं, वी फॉलो अ CTM रूटीन इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट, बट आप में से कितने लोग अपने अंडर आर्म्स के लिए एक रूटीन फॉलो करते हैं? आई डोंट थिंक सो कोई करता होगा. अंडर आर्म्स को क्लीन रखने के लिए, स्मेल फ्री रखने के लिए आपको एक रूटीन फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आपका अंडर आर्म्स में जो ब्लैकनेस आ गया है वो एक बार में नहीं जाएगा, बट जब आप एक रूटीन फॉलो करोगे, धीरे 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 वो डार्कनेस जो है वो लाइटन होने लगेगा, जो बैड स्मेल आता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा. तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए अपने अंडर आर्म्स को क्लीन रखने के लिए. सो गाइज, आई रिसेंटली केम अक्रॉस दिस सेंफे अंडर आर्म केयर रेंज, और ये स्पेशली बना हुआ है टू टेक केयर ऑफ योर अंडर आर्म्स. इसको यूज़ करने के बाद आपका अंडर आर्म्स काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ फील करेगा. इनफैक्ट बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है. मैं आपको स्टेप्स दिखाती हूँ कैसे यूज़ करना है. सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे सेंफे का अंडर आर्म्स नो मैस रेजर. ये रेजर काफ़ी लाइट वेट है. इसको आप घर में अगर इमरजेंसी हो, कहीं जाना हो, आपके पास टाइम नहीं है, इससे आप अपने हेयर को क्लीन कर सकते हो. हेयर क्लीन करने से क्या होगा, हमें पसीना कम आएगा, जिस वजह से हमारे अंडर आर्म्स में स्मेल नहीं रहेगा. उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे सेंफे का अंडर आर्म डिटॉक्स एक्सफोलिएटर. आप देख सकते हो इसका कंसिस्टेंसी काफ़ी लाइट है. आपको जस्ट थोड़ा सा अपने फिंगर में लेना है और अपने अंडर आर्म्स में इसको हल्का करके लगा लेना है. लगाने के बाद आप अच्छे से एक्सफोलिएट करिएगा फॉर अराउंड 2 to 3 minutes. उसको थोड़ा देर छोड़ दीजिएगा, फिर हम लोग वॉश कर लेंगे. इससे क्या होगा, हमारा जो अंडर आर्म्स वो डीप क्लीन होगा, एक्सफोलिएट होगा, जो पोर्स है वो टाइटन अप हो जाएगा और काफ़ी नरिश रखेगा हमारे अंडर आर्म्स को. वॉश करने के बाद आप पैड ड्राई कर लीजिएगा. जब भी आप ड्राई करोगे घिसिएगा मत, जस्ट हल्के हल्के पैड ड्राई कर लीजिएगा. उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे सेंफे का अंडर आर्म डीप पिगमेंटिंग सिरम. ये एकदम पतला कंसिस्टेंसी वाटर टाइप है. आपको थोड़ा सा लेना है और अपने अंडर आर्म्स में इसको लगा लेना है. ये नेचुरली आपके अंडर आर्म्स को ब्राइटन अप करेगा. अगर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गया, डार्क स्पॉट्स हो गया, उसको धीरे धीरे क्लियर करेगा और काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज रखेगा. लास्ट स्टेप में हम लोग यूज़ करेंगे अपना सेंफे का अंडर आर्म डियो क्रीम. इससे क्या होगा, जितना स्वेट आपको आता है ना, उसको रिड्यूस करेगा और आपका जो स्मेल रहता है ना अंडर आर्म्स में, उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगा और आप देखना एक इंस्टेंट ग्लो आ जाएगा. मैं आपको लाइव रिजल्ट भी दिखाऊंगी, बिफोर आफ्टर भी दिखाऊंगी. आप रेगुलर 7 days इस रूटीन को फॉलो करो, आप बहुत फ़र्क देख पाओगे अपने अंडर आर्म्स में. गाइस, सेंफे के सब जो प्रोडक्ट्स है, दीज आर 100% नेचुरल सी इंग्रेडिएंट्स के बने हुए हैं. इसके पीएच लेवल बिल्कुल मेंटेन है, जो आप आराम से अपने स्किन में यूज़ कर सकते हो. ये सब डर्मेटोलॉजिक टेस्टेड है, तो स्किन में कोई इरिटेशन, रैशेज वगैरह आपको नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई हार्श केमिकल्स नहीं मिला हुआ है. दैट वॉज ऑल फॉर टुडे गाइस. आई होप वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा हो. आप ये सब प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हो. सारा लिंक विद द डिटेल एंड द प्राइस मैं नीचे इन्फो बॉक्स में दे दूंगी. जब आप एक रूटीन स्टार्ट करोगे ना फॉलो करना, आप डिफरेंस स्लोली देख पाओगे. एक इम्प्रूवमेंट आपको दिखने लगेगा जब आप रेगुलर यूज़ करने लगोगे प्रोडक्ट. ऑल्सो यू कैन अवेल सम डिस्काउंट इफ यू यूज़ माई कूपन कोड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया. बाय.